हाँ भाई, क्या हाल है सबके यार। वेलकम बैक टू चैनल। तो यार आज की वीडियो ना काफी ज्यादा डैंक होने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले अपने पेरेंट्स से पूछो कि क्या तुम डैंक कंटेंट देख सकते हो। अरे अब चिंता मत करो, इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतलब गाली गलौच नहीं है, बट सब देख सकते हो, नॉर्मल वीडियो है। चलो, अगर तुम्हें अभी तक इस वीडियो का टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं तो बताता हूँ इस वीडियो का टॉपिक क्या है। ये वीडियो का टॉपिक स्टार्ट होता है इस कमेंट से। अब इस पूरी वीडियो में मैं इस बंदे का नाम तो बता नहीं सकता क्योंकि अपना दोस्त हमारा क्लासमेट है, लेकिन हम इसको इस पूरी वीडियो में कहेंगे अपना व्रो। अपने व्रो ने इस पोस्ट में, मैं इस पोस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, बट अपने व्रो ने इस कमेंट पे रिप्लाई दिया मे आई। अब यहाँ से मेरा दिमाग खिसका कि यार अगर ये ऐसा कमेंट रिप्लाई दे रहा ना तो इसका मजे लेने तो बनते हैं। तो यहाँ से मैंने इस वीडियो का टॉपिक उठाया और इस वीडियो का टॉपिक है कि आई ट्राई टू बी सिमरन ऑन इंस्टाग्राम, यानी कि आई प्रिटेंडेड टू बी अ गर्ल ऑन इंस्टाग्राम एंड प्रैंक फ्यू बॉयज। अब इस सिमरन की कहानी स्टार्ट होती है एक इंस्टाग्राम आईडी से। सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक फेक आईडी बनाई सिमरन के नाम से, और अभी मैंने सिर्फ आईडी बनाई थी, मतलब उस पे ना कोई पोस्ट, ना उस पे कोई डीपी, मैंने इनफैक्ट बायो तक भी नहीं लिखी। और मुझे 3 बंदों की फॉलो रिक्वेस्ट आ गई और उन्होंने मेरे को डीएम भी भेज दिए, और मैं वहीं से समझ गया था ये गेम बहुत लंबी जाने वाली है। फिर धीरे धीरे आईडी को ठीक करा क्योंकि इस आईडी को तो कोई भी फॉलो नहीं करता या कोई भी समझ जाता कि एक फेक आईडी है। मैंने पिंटरेस्ट से थोड़ी सी इंस्टाग्राम गर्ल्स की फोटो उठा ली और हाँ भाई, बट पहले डिस्क्लेमर दे रहे हैं, कंप्लीटली फेक आईडी थी। मैंने नॉर्मल पब्लिक डोमेन में जो फोटोज अवेलेबल थी वही यूज करी थी। भाई FIR मत करवा देना मेरे ऊपर बचले कहीं। फिर जब मुझे बाकी लोगों के फॉलो रिक्वेस्ट आने शुरू हो गए और उनके डीएम आने शुरू हो गए, तो मैंने सोचा कि अब सही टाइम है अपने फ्रो को फॉलो करने का और उससे फॉलो रिक्वेस्ट पाने का, और वही हुआ। मैंने उसको फॉलो करा और कुछ ही मिनटों के बाद उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी और उसने मुझे फॉलो बैक भी कर दिया। वहां से मेरी गेम शुरू होती है, बातचीत स्टार्ट होती है नॉर्मल हाय हेलो से। अपने ब्रो ने मुझे हाय हेलो भोजा ये सोचते हुए कि वो सिमरन से बात कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता था कि सिमरन के पीछे तो राज छुपा हुआ है। नॉर्मल बातचीत होती रही, हाय हेलो होती रही, वहां से बात स्टार्ट हुई, और इतनी जल्दी रिप्लाई ना ये ब्रो मुझे नॉर्मल डीएम पे नहीं देता। जब मैं इसको मैसेज करता हूँ ना, ये इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं देता, बहुत छाना आदमी है भाई ये। हमारी बातें चलते रही और फिर वही नॉर्मल और सुनाओ वाले ड्रामा होता रहा। मैं कहता था तू सुना, मैं वो कहता था मुझे, मैं सुनाऊँ, मैं क्या सुनाऊँ भाई, मुझे नहीं पता, मैं तो तेरे मजे ले रहा था। बट स्टिल और सुनाओ के लूप में हम चलते रहे। फिर मैंने सोचा यार इस लूप को ब्रेक करते हैं क्योंकि हमें इस प्रैंक को आगे बढ़ाना है। फिर अपना ब्रो ना बहुत केयरिंग आदमी है, उस बंदे ने वो जो मैंडेटरी क्वेश्चन होते हैं ना कि आपने ब्रेकफास्ट किया, और वो सारे जो मैंडेटरी क्वेश्चन होते हैं ना भाई ने पूछे, भाई ने लिटरली मुझसे पूछा कि तूने ब्रेकफास्ट करा नहीं करा। यार मुझसे रियल लाइफ में किसी ने नहीं पूछा कि मैंने ब्रेकफास्ट करा नहीं करा, और एक आईडी में तुम पूछ रहे यार, इज्जत रहेगी यार, कोई इज्जत ही नहीं है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। और फिर हमारी कुछ रैंडम बातें चलती रही, मैं उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाता रहा, उसको ये विश्वास दिलाता रहा कि भाई मैं रियल हूँ, मैं थोड़ी सी अपने घर की लोकेशंस बताई, ये करा, थोड़ी नॉर्मल चिट चैट करी, और वहाँ से मैं साइड बाय साइड और भी लोगों को फॉलो कर रहा था, उनके डीएम्स भी आ रहे थे। लेकिन अभी हम अपने ब्रो पे फोकस करते हैं, उन सब पे मैं बाद में आता हूँ। मैंने इसे क्या पूछ लिया भाई, मुझे समझ ही नहीं आती, ऐसे उल्टा सीधा मेरे से क्वेश्चन पूछ ही जा रहा था, मैंने कहा सर ये बोल दिया मैंने। बट अपना भाई वॉरियर है, अपना भाई है डैंक, भाई ने बहुत सही डैंक रिप्लाई दिया था, मुझे अच्छा लगा ये भाई का रिप्लाई सुन के, अपना ब्रो बहुत आगे जाएगा। मैंने सोचा कि भाई रियल लाइफ में तो कोई अपनी तारीफ करता नहीं, अपनी शक्ल ही नहीं कि अपनी तारीफ करे, अपनी फेक आईडी बनवा के अपने ब्रो से तारीफ करवा दूँ। तो मैंने सिमरन की आईडी से अपने ब्रो से पूछा कि क्या वो हरजोत को जानता है, और मैंने एज अ सिमरन प्रिटेंड करा कि मैं हरजोत की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उसकी बहुत सारी वीडियोज देखती हूँ, ये वो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से ये शो करना था कि मुझे उसका लिंक पता है कि अपना ब्रो हरजोत को जानता है और वो दोनों सेम स्कूल में है। बट इतनी तारीफ कोई हुई नहीं, मैंने ज्ञान ही दे दिया कि जस्ट स्टार्टेड हिज यूट्यूब करियर। अगर तुम्हारा मन करता तो पॉज करके वीडियो चैट कर लेना, अच्छी चैट है, मतलब ठीक है, थोड़ा दिल को खुशी मिली कि चल फेक आईडी से ही सही बार तारीफ हो गई। फिर मैंने सोचा कि अगर एक साथ ही अपने ब्रो के सारे मजे ले लूंगा तो वीडियो कैसे बनेगी, तो फिर मैंने और आईडी से बात करना स्टार्ट कर दिया। और भाई जो मैंने उनसे बात करी ना, तोबा, ओहो, जो वो लोगों ने मेरे से बात करी ना भाई, 3 दिन में ना मैंने पूरी दुनिया घूम लिया, कसम से कह रहा हूँ। मैंने ऐसी बातचीत ना, ऐसी चैट आज तक कहीं नहीं देखी जो मेरे साथ इन 3 दिन में हुआ है ना। फिर मैंने एक दो और आईडी से बात करना स्टार्ट करी, और उनमें से एक ये चैट थी, आप चौदह पॉज करके पढ़ सकते हो, और ये चंडीगढ़ से एक था भाई पंजाबी अपना कोई, इसने पंजाबी में भी बात करी, नॉर्मल बात भी करी, वही नॉर्मल हाय हेलो से बात स्टार्ट हुई। बट इनमें मैंने एक चीज देखी है, मतलब अपने ब्रो को छोड़ के जो मैंने बाकी आईडी से बात करी ना, इनको प्यो बनने का बड़ा शौक हो, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते ना जो मेरे पापा पूछते होंगे या फिर किसी भी लड़की के ना पापा पूछते होंगे। कई लोग पूछ रहे हैं ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करा, कई लोग कह रहे हैं कि तुम पढ़ क्यों रही हो, कह रहे रात को जाग क्यों रही हो। सीबीआई बन जाओ ना भाई, सीबीआई में नौकरी ले लो, लड़की की जान ले लो ना, वो क्यों क्यों काम क्यों कर रही हो, पढ़ क्यों नहीं हो। छोड़ भाई ये बहुत पॉलिटिकल बात बोल दूंगा अगर मैं इसका कुछ बोला ना तो। और एक तो मैं इतने लोगों से बात कर रहा था ना, और मैंने हर बंदे को अपनी कहानी अलग बताई, मैं किसी को कह रहा हूँ मैं कनाडा रहती हूँ, किसी को मैं कह रहा हूँ कि मैं जो पहचान
कहीं वो कह रहा मैं जयपुर रहता हूँ, कहीं वो चंडीगढ़, कहीं को कहीं कहीं कहीं, और मैं तो भाई भूल ही गया लिटरली। एक दो बात ऐसा हुआ कि मैंने किसी की चैट किसी को भेज दी, किसी की चैट किसी को भेज दी। अभी मेरे साथ हुआ, एक बंदा को मैं कह दिया रात को मैं जलंधर हूँ, सुबह मैंने उसको कह दिया मैं दिल्ली हूँ। वो भाई भी सोच रहा है कि रात को जलंधर थी सुबह दिल्ली है, हो क्या रहा है। ये बड़ी दिक्कत हुई बहुत। मैंने पहली बार करा भाई, तुम लड़के कैसे संभाल लेती हो, मुझे नहीं होता भाई ये सब चीज़ें। मैंने जान पूछ के ना एक ट्रैप प्लॉट करा था और उसमें ये भाई फंस गया। मैंने एक जान पूछ के सनी लियोनी को फॉलो करा अपनी फेक आईडी से, और मैं मुझे पता था कि कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो मेरे से ये बात पूछेगा। यार मुझे एक बात बताओ, ये लिटरली मुझे मैसेज आया मेरे आईडी बनाने के जस्ट 2 या 3 मिनट के बाद। मैंने इस बंदे से कोई ना उसको फॉलो करा ना उसने मुझे फॉलो करा, सीधा डीएम कर दिया। और उस टाइम पे मेरी आईडी पे ना डीपी थी ना कुछ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर मैं उसको फॉलो कर रही हूँ जो मैं जान पूछ के कर रहा था कि मैं ऐसा कोई बंदे को उठाना चाहता था, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि तुम उस बात को वहीं लिंक कर दोगे। मतलब भाई बंदे की लाइफ में और भी बहुत चीज़ें होती हैं, और भी बहुत ऐसे लोगों ने अपना काम करा होता है जिसके लिए हम उनको जानते हैं या फिर जिनके लिए हम उनको फॉलो करते हैं। कुछ हो उस बात को वहीं लिंक कर दो, मतलब बंदे के पास्ट को भूलना ही नहीं है, जो वो उससे मूव ऑन कर गया या वो कुछ और अच्छी चीज़ें कर रहा है वो भी तो देखो यार। बट खैर अब हम क्या बोल सकते हैं, इसमें लोगों की मैंटेलिटी है। मैं ये दिखाना चाहता था इसलिए मैंने फॉलो करा, और समझदार हूँ कि इसमें उसने क्या ही बोला होगा। तो मुझे ये नहीं पता इनको मेरा वॉइस फेटिश क्या है। भाई साहब सबको मेरी वॉइस सुननी है, लोग बार बोल रहे हैं ऑडियो नोट भेजो ऑडियो नोट भेजो। अरे मेरी वॉइस में क्या हो जाएगा भाई मेरी आवाज़ सुन के। पहली बात तो भाई मैं लड़का रहा हूँ तो मेरी आवाज़ सुनने का तेरी वहीं फट जाएगी। ऊपर से अगर चल मान ले असली लड़की है भी तो यार क्या करना उसकी बात सुन के। भाई इतनी मुश्किल से मुझे यूट्यूब पर एक ऐसी ऑडियो मिली जिसमें एक लड़की ने मतलब जो सही में लगे कि हाँ भाई फेक नहीं है, कहीं ऑटोमेटेड नहीं है, वो वीडियो मिली और मैंने उसकी ऑडियो निकाल के भेज दी। क्या वॉइस फेटिश है भाई, कैसे कैसे शो पाले हुए लोगों ने। और भाई मैंने इस 3 दिन के प्रैंक में ना जो एक चीज़ सीखी है वो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। भाई देखो अगर तुम अपने दोस्तों से किसी भी सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कहीं भी बात करो, हिंदी इंग्लिश पंजाबी जर्मन फ्रेंच किसी में भी, और अगर उनकी लिखी भाषा तुम्हें समझ आ जाती है ना, अगर उनकी लिखी हुई इंग्लिश तुम्हें समझ आ जाती है या हिंदी भी समझ आ जाती है ना, तुम बहुत लकी हो भाई, बहुत ज़्यादा लकी हो। ये बात मान लो। जो इंग्लिश मैंने सुनी है ना इन 3 दिनों में, भाई साहब मेरे कानों में से लिटरली विलियम शेक्सपियर बाहर आ गया भाई। बहुत ज़्यादा मैसअप है भाई, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कख समझ नहीं आया भाई। ऐसी इंग्लिश लिखी, इनफैक्ट पंजाबी भी नहीं आई। देखो भाई नहीं आती इंग्लिश यार लोगों को, चाहो तो पॉज करके पढ़ लो भाई, बहुत ख़राब है इंग्लिश। ये तो बहुत बड़ा ही पंगा है, ये गर्ल का ग्रिल बनाना ना बहुत ज़्यादा बड़ा पंगा है। मुझे तो पता था कोई ना कोई मुझे ग्रिल बोल ही देगा, और लिटरली मैंने उसको जान बूझ के बोला कि यस आई एम अ ग्रिल, वो मान के कि मैं ग्रिल हूँ। एक वो बंदा मुझे कह रहा है रोमन रेन को, रोमन क्या कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता, रोमन रेन को रोमन रेंग बनाया हुआ है, इंटरेस्टेड को इंटरेस्टेड बनाया हुआ है, पता नहीं यार क्या और है भाई। ये मत सोचना कि बहुत साफ साफ बहुत साफ सुथरी संत का महात्मा मुझे मिले थे चैट में, बहुत सारी दुनिया जहान की बातें थी वो मैंने इसमें नहीं दिखाई, और मैं चाहता भी नहीं था कि वो सब बातें यादा हों। तो इसलिए मैं अपने व्रो पे वापस आ गया कि भाई जल्दी से ये प्रैंक करो और आईडी को बंद करो। तो मैं फिर वापस आया अपने व्रो पे, और व्रो तो अच्छी खासी लाइनबाजी पे लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि भाई लोहा गर्म है अब थोड़ा मार देना चाहिए, और मैंने थोड़ा मार दिया। और मैंने पूछ लिया कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, और आप क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे नहीं चाहोगे, और बॉय वॉज लाइक दिस वॉज समथिंग आई वॉज वेटिंग फॉर। भाई साहब तो ने एक सेकंड में हाँ कर दी, और लिटरली ये बात हो रही थी जब हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी। वहाँ मैम वेट कर रहे हैं कि भाई साहब हमारे ब्रो जो है वो रिप्लाई देंगे, लेकिन हमारे मैम को क्या पता कि हमारे ब्रो तो लड़कीबाजी करने में लगे हुए हैं। सेटिंग हो रही है भाई साहब, तेवरन के साथ राज मिलने वाला था, और लिटरली भाई राज ने यूँ हाँ कर दी। मैंने सोचा कि अगर अपने भाई को इतनी जोर से प्यार आ रहा ना तो इस प्यार को निकाल ही देते हैं, मतलब भाई में ना जो प्यार भरा हुआ उसको बाहर निकलवा देते हैं। फिर मैंने कहा, लिटरली ऑनलाइन क्लास चल रही थी हमारी इसके बीच में, मैंने भाई को बोला कि यहाँ पे ना आई लव यू सिमरन लिख के मुझे भेज। वो भाई साहब भाई ने लिख के भेज भी दिया, क्लास के बीच में भाई ने भेजा, डेडिकेशन है भाई। अगर क्लास आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो मैंने फनी और थोड़ा सा मैसेज है समझदार को इशारा काफी। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी, और अगर लगी है तो लाइक करो शेयर करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट और बेस्ट चैट। और अगर कोई ऐसी मेमोरी आपके साथ भी है, या आपने किसी का ऐसा फेक प्रैंक करा, या आपके साथ किसी ने ऐसी कोई इंस्टाग्राम पे डीएम चैट करी, डीएम फन चैट करी है, तो मुझे जरूर बताना। और आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। आप भी चाहते हो कि मैं सिमरन बन के आपसे बात करूँ, सिमरन बन के नहीं करूँगा, हरजोत बन के तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको भी ऐसे बात करने का मौका मिलेगा। और अगर नहीं करोगे ना तो याद रखना एक दिन सिमरन तुम्हें भी मैसेज करेगा और तुम्हारा भी कटेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो और टेक केयर।